हाँ गाइस, तो वास्तविक संख्या का पहला वीडियो मैं पांच ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, वीडियो क्योंकि लंबा हो गए थे। अब फिर मैं पांच ही क्वेश्चन ही देंगे, प्रति वीडियो में पांच पांच ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि विद्यार्थी को लगेगा अरे बाप रे बाप इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही बना देंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पाँच तक लिए थे, तो छठा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, कुछ तो मेरे ख्याल से गड़बड़ी तो नहीं आई होगी वीडियो में, तो बच्चा समझ ही गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो, अगर नहीं हम इसमें दर्शाए गए हैं क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर मेरा 7708770390 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर दोनों है, तो मुझे इस नंबर पे क्वेश्चन को क्या करना है भेज देना है। उसके बाद जस्ट हम टाइम मिलेगा हम तुरंत भेज बना देंगे, नहीं तो कुछ समय लगेगा हम तुरंत बना करके उसको क्या करेंगे हम भेज देंगे, ताकि कठिनाई से जूझना ना पड़े। तो छठा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो उसको क्या करना है, खंड करना, पता कि कितने स्टेप में जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी कितना का 5005, इसको क्या करना है खंड करना 5 से, यानी 1101 हो गया इतना, और इसको क्या करना है हमको 7 से खंड करना, कितना से करना है 7 से खंड करना, 7 एक 7 बच गया, या 3 और 3 और 0 यानी 30, और 30 में अगर 4 से भाग, इसमें 7 से 4 बार में कर देगा 28 बचेगा, कितना 30 में से 28 जाएगा कितना 2, और 2 और यहाँ 1 21 21 यानी 27, तो अगर ये कितना बार में कर जाएगा 7 एक बार में करेगा ना, हाँ तो 7 एक 7। उसके बाद अगर हम 13 से कटाते हैं तो 13 से 13 एक 13 और फिर बचा के 1 आई 1 3 13 13 एक 13 यानी 11। अब देखना है इसमें दोनों तरफ से ले लेना है कितना गुणनखंड है, अगर इधर से देखते तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर से ले लेते हैं, या तो अगर इधर से इस स्टेप से लेना है अभाज्य गुणनखंड तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ये 4 स्टेप, तो इतना इसका आंसर क्या जाएगा मेरा, तो आंसर इसका हमने लिखे थे ना, सॉरी 1 हो गया, 1 में दिया है 2, दूसरा में दिया है मेरा बी नंबर में दिया है मेरा 4, और सी नंबर में मेरा क्या दिया है, सी नंबर में 6, और डी नंबर में मेरा दिया है 7, तो मेरा बी नंबर आंसर आ जाएगा 4, 4 स्टेप है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं, कहते 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन में मेरा क्या है 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, बी नंबर में ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3, सी नंबर में ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 पे 3 गुना 3, उसके बाद डी नंबर में ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 2 गुना 3 पे पावर 5। इसको क्या करेंगे खंड कर देंगे, 96 का खंड कर देना, 96 का खंड अगर हम करते हैं तो 2 बार में कितना बार में आ जाएगा 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 बार, यानी 2 पे पावर 5 और गुना फिर 3, यानी तीसरा नंबर मेरा आंसर सही, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन होंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऑप्शन ए नंबर क्या कहते हैं 2-√5, बी नंबर √5, सी नंबर 2√3/√3, और डी नंबर क्या कहते हैं, डी नंबर मेरा था √6। अगर और भी बता दिए थे पहले अपना, तो इनका मतलब है कि जिसके ऊपर रूट लगा हो और उसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसके ऊपर रूट लगा हो उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या होंगे, और जिनके ऊपर रूट लगा हो अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होंगे। अब यहाँ क्या है 5, दोनों ये क्या है अंतर है 2 और -5, -√5 क्या है 2 और मैंने √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, आई इसका तो परिमेय संख्या मान लें,
तो क्या है, परिभाषा आता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। क्या बोले, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय। तो ये हो गया क्या, अपरिमेय। तो अपरिमेय अगर ये हो गया अपरिमेय, या मान रहा परिमेय, तो इसका फिर रूट फाइव, तो ये भी हो गया अपरिमेय, परिमेय। अब देखते हैं ये तीसरा नंबर ऑप्शन, रूट थ्री कैंसिल, बचेगा मेरा कितना, दो, यानी अपरिमेय, यानी परिमेय सॉरी, दो मेरा हो गया, तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो यही मेरा तीसरा नंबर ही आंसर हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, कहते सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मौसम होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या ने सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या सबसे बड़ी भाज्य संख्या या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या दो ले लेते हैं या तो तीन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, बड़ी या छोटी जो भी लेना है। तो भाज्य संख्या ये जाएगा मेरा चार, दो चार, ठीक है, इनमें क्या आ जाएगा मेरा तीन पाँच सात, इनमें से लेते हैं सबसे छोटी दो, आइए तीन, तो दो गुना एक करेंगे कितना आएगा दो, और तीन गुना एक करेंगे कितना आएगा तीन, यानी दोनों में क्या मिल जाता है मेरा एक एक, तो इसका संख्या कितना होगा मेरा, इसका मौसम क्या जाएगा मेरा एक हो जाएगा, इसका मौसम मेरा क्या जाएगा एक, आंसर मेरा एक सही होगा। और बड़ी भी लेंगे ना, बड़ी भी लेंगे चार, बड़ी भी लेंगे तो पाँच, इसे भी कितना भी बड़ी लेते रहेंगे तो भाई उतने ही आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या एक से ही गुना होगा, आइए गुना तो कहीं से हो जाएगा लेकिन इसका एक ही लेना होगा भाई, तो इधर एक इधर एक, तो दोनों में अगर जो संख्या मिल जाता है तो वही मेरा क्या था अभाज्य संख्या, नहीं सॉरी सॉरी, अगर दोनों में जो मिल जाता वही मेरा होता मौसम, बढ़ा जाता भाई। दसवां नंबर क्वेश्चन, दसवां नंबर मेरा क्या है, यदि ए और बी का, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक, कहता ए और बी का लॉस क्या होगा, ए और बी का लॉस क्या होगा, ए और बी का लॉस क्या होगा, यानी कहता जो अभाज्य संख्या हो, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो अभाज्य संख्या हो और अभाज्य संख्या का अगर लॉस मान जाता है तो दोनों को क्या करना है, गुना कर दे, तो दोनों कितना है ए गुना बी, यानी ए बी मेरा क्या देगा ये लॉस, यानी एल सी एम बराबर क्या देगा ए बी, ठीक चलते हैं। दस वो दस नंबर तक हो गए, दूसरा एपिसोड पूरा हो गया, अब मैं जस्ट ही तीसरा एपिसोड लाइव।